दोस्तों तो आज के इस वीडियो देखने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 5 इंग्लिश के, जो कि है गोलू ग्रोस अ नोज। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें ये बताया हुआ है कि पहले जितने भी एलिफेंट्स हुआ करते थे उनके पास सूंड नहीं हुआ करता था। सूंड मतलब ट्रंक, ठीक है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि पहले के जो एलिफेंट्स थे उनके पास एक छोटा सा गद्देदार बल्गी नोज हुआ करता था, मीन्स छोटा सा नोज हुआ करता था उनके पास। यहाँ पर बताया हुआ कि किस तरह से जो एक एडवेंचर जो है गोलू का वो स्टार्ट हुआ और कैसे उसके पास एक जो है ट्रंक आया, मीन्स सूंड आया। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि बताया हुआ है कि बहुत पहले की बात है, जिस वक्त किसी भी हाथी के पास सूंड नहीं हुआ करता था, उसमें एक छोटा सा बेबी था एलिफेंट का जिसका नाम था गोलू, ठीक है। गोलू जो था उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहा करते थे और वो भी ऐसे क्वेश्चंस रहा करते थे कि किसी से पूछ दो कि भाई इसका आंसर दो तो कोई बता ही नहीं पाता था। मतलब कि एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस कर सकते हो या फिर ऐसे जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसका आंसर किसी को पता ही नहीं है। जैसे कि हो गया कि अर्थ पर लाइफ आया, आया तो आया, सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, लेकिन वो कैसे आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसके दिमाग में चलते थे। तो वहाँ पर उसने पूछा ऑस्ट्रिच से कि ऑस्ट्रिच आपके पास विंग्स हैं लेकिन आप उड़ क्यों नहीं पाती हैं, मीन्स आप एक बर्ड हैं लेकिन आप उड़ क्यों नहीं पाती हैं। तो अब ऑस्ट्रिच चुप हो जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या दूँ, और इस तरह से वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं बताती है। गोलू जो है उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, वो किसी और से पूछना चाहता है कि अब दूसरे कोई अदर एनिमल्स हो उनसे पूछे। तब बाद में पूछता है अपने अंकल जो कि जिराफ रहते हैं, ठीक है, उनसे पूछता है कि आपके बॉडी पे इतने धब्बे, मीन्स ये जो पैचेस हो गए, ठीक है, ये कहाँ से आए और ये क्यों है आपके बॉडी पे इतने। अब उनको भी समझ नहीं आता है, वो भी चुप हो जाते हैं। अब वो अपने बड़े अंकल जिसका नाम है हिप्पोपोटामस, मीन्स जो हिप्पोपोटामस है, उनसे पूछता है कि आपकी जो ये आँखें हैं ये इतनी लाल क्यों रहती है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछता जो कि यूनिवर्सल में आता है, मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर जिसका वजह मेनली नहीं पता है किसी को, ठीक है। तो वो उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछता। आगे फिर जाने के बाद वो बबून से, मीन्स लंगूर से ये पूछता कि ये जो वाटरमेलन होता है इसका टेस्ट वाटरमेलन की तरह क्यों होता है। मीन्स एकदम अजीब क्वेश्चन कि इसका टेस्ट वैसा ही क्यों होता है, अलग से क्यों नहीं होता है, इस ये मिठाई क्यों है, ये तीखा क्यों नहीं लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। सब कहते हैं कि गोलू जो है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं और उसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बहुत मुश्किल से ही कभी कभार कोई उसका जवाब दे पाता है, नहीं तो किसी के पास उसके जवाब नहीं हुआ करते हैं। अब देखिए वहाँ पर आगे जाते हुए एक बार वो मायना के पास जाता है, मीन्स मायना बर्ड जो कि झाड़ियों के बीच में कहीं बैठी रहती है। वहाँ पर जाके पूछता है कि जो क्रोकोडाइल है, मीन्स मगरमच्छ, वो सब डिनर में क्या खाते होंगे। वो मायना से पूछता है। अब मायना कह देती है कि मुझे तो नहीं पता, अब तुम जाके खुद उनसे पूछ लो। तो एक काम करो, तुम ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मीन्स एक जगह हो गया वहाँ पर लिम्पोपो रिवर है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर क्रोकोडाइल्स रहते हैं, वहाँ पर जाके किसी से पूछ लो कि वो क्या खाते हैं। गोलू अपने घर जाता है, घर जाने के बाद वो पैकिंग शुरू कर देता है। वो जो है लगभग 100 गन्ने खा लिया होता है और कुछ रख लिया होता है, फिर 50 डजन्स बनाना, 25 मेलन, ये सब पूरा मीन्स रख लिया होता है अपने साथ, रख के कि आगे सफ़र में वो कुछ खा सके अगर उसको भूख लगे तो। फिर अपने फैमिली को गुड बाय कह देता है और वहाँ से चला जाता है लिम्पोपो रिवर की तरफ। जब वहाँ पर वो जाता है तो उसके दिमाग में यही चलता है कि मुझे पता लगाना है कि क्रोकोडाइल्स अपने डिनर में करते क्या है, क्या खाना खाते हैं वो। जैसे जैसे वो आगे जाता है तो उसको रास्ता ठीक से मालूम नहीं चलता। तब पाइथन से वो पूछता है कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। पाइथन जो है वो पहले, मीन्स ये जो आपको दिख रहा है पेड़ का जो टहनी है इसे पूरा लिपटा हुआ रहता है, बाद में वो अपने आप को थोड़ा अनकॉइल करता है, मीन्स थोड़ा सीधा करके उसके बाद उसके पास आता है, चुपचाप उसको देखता है, कुछ जवाब नहीं देता है, ठीक है। गोलू जो है सोचता है कि चलो ये जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो उसको गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर जो है जाते जाते सफ़र में केले हो गए, उसके बाद ये शुगर केन्स हो गए, मीन्स ईंक हो गया, मेलन्स हो गए, ये सब खाते खाते आगे बढ़ता है और इस तरह से वो जो है ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास पहुँच जाता है, उसके किनारे के पास। जब वहाँ पर बैठता है वो एक बड़ा सा मीन्स लॉग दिखता है, मीन्स एक कटा हुआ ऊँट, ठीक है, ऊँट का। तो वहाँ पर हिस्से पे जाकर वो देखता है, ठीक है, किनारे रखा रहता है। वो वहाँ पर जाने के बाद सोचता है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स होंगे, मतलब उसको पता चलता है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल रहते थे लेकिन पता नहीं था कि क्रोकोडाइल दिखते कैसे हैं, वो हैं मतलब कौन है। वो पूछता है कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, और जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है वो खुद ही क्रोकोडाइल रहता है। तो वो क्रोकोडाइल जो है वो कुछ देर मतलब नहीं होता है, पला जब खाना हो गया, फिर बताता है कि हाँ मैं ही हूँ क्रोकोडाइल, ठीक है। वो थोड़ा सा दलदलिए प्लेस में, थोड़ा पानी वाले प्लेस में क्रोकोडाइल रहता है, और ये जो एलिफेंट है गोलू ये थोड़ा बाहर की सतह पर रहता है। तो वहाँ पर वो जो क्रोकोडाइल है बोलता है कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, ठीक है। उसका प्रूफ देने के लिए वो जूटी जो मगरमच्छ का जो आंसू हम लोग कहते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर, वो गिरा के दिखाता है।
चलो गोलू समझ जाता है कि चलो यही क्रोकोडाइल है। बाद में वो पूछता है उसके पास थोड़ा मीन्स बैठे वहाँ पर कि आप जो है डिनर में क्या खाते हैं। तो वहाँ पर जो क्रोकोडाइल बोलता है कि पास आओ मेरे, मैं तुमको धीरे से तुम्हारे कान में जो है विस्पर कर देता हूँ। जैसे ही अपना जो सिर है वो पास लेकर आता है, क्रोकोडाइल क्या करता है, उसे नोज जो है उसको पकड़ लेता है। नोज पकड़ने के बाद उसको जो है पानी के अंदर जो दलदली जो प्लेस था उसके पास वो खींचना चाहता है उसको। अब जो है गोलू कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, और पीछे की तरफ वो फोर्स लगाता है ताकि वो पानी में ना गिर जाए। ठीक है, तो अब फिर क्रोकोडाइल क्या कहता है कि आज के डिनर तो तुम ही बनोगे, और आज का डिनर मेरा क्या होगा, एक छोटा सा हाथी का बच्चा। इस तरह से क्रोकोडाइल उसको पूरा पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। ठीक है, अब देखिए होता ये है कि उस समय जब गोलू जो है अपने आप को बचा रहा होता है तभी पाइथन निकल कर आता है। वो जो पाइथन है वो उस वक्त से, जिस वक्त से गोलू ने पूछा कि क्रोकोडाइल को क्या आपने कभी देखा है, तब से वो पीछा कर रहा होता है गोलू का। वहाँ पर जाने के बाद तो गोलू को कहता है कि गोलू जितना फोर्स है तुम अपना फोर्स लगाओ और पीछे की तरफ आओ, वरना वो तुम्हें अंदर खींच लेगा। और इस तरह से गोलू पूरा फोर्स लगाता है। ठीक है, और पाइथन क्या करता है कि वो गोलू के जो आसपास में लपेट कर मीन्स लपेट लेता है अपने आप को, उसका एक पेड़ के टहने से लपेट के उसको पीछे की तरफ खींचता है ताकि वो बच जाए। होता यही है, बहुत ज़्यादा मीन्स दे तो पुल करने के बाद उसको वहाँ पर जो गोलू का जो नोज़ है वो बड़ा होते जाता है, मीन्स लंबा होते जाता है एकदम घिसते घिसते। अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद उसका जो नोज़ है वो और ज़्यादा लंबा हो जाता है, और वो एकदम पीछे की तरफ मतलब नहीं होता है, चला जाता है, और इस तरह से क्रोकोडाइल जो है उसे पानी में खींच नहीं पाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गोलू जो है अब उसके नोज़ उसको बहुत हर्ट किए हैं कि भाई इतना कस के उसको खींचा गया है, और जब उसने फील किया कि उसका जो नोज़ है वो पहले की तरह नहीं रहा, वो एकदम बड़ा सा हो गया है, मीन्स सूंड हो गया उसका वो। तो अब वो देखता है, ठीक है, वो पाइथन से पूछता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ कि देखो मेरे ये जो मीन्स जो नोज़ है ये बड़े हो गए, अब मैं इसको वापस पहले से कैसे करूँ। तब जो जो है पाइथन कहता है कि नहीं, इसके बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं तुम्हारे लिए, देखो कैसे। पहले जो तुम्हारे पास नोज़ था छोटा सा, उससे तुम कोई भी ट्रंक नहीं उठा पाते थे, ठीक है ना, लेकिन अब जाकर देखो, सॉरी ट्रंक बोल रहा है मतलब कोई भी लॉग हो गया, ये सब तुम नहीं उठा पाते थे। तो अब जो ये जो ट्रंक हो गया मीन्स लॉन्ग नोज़, इससे अब तुम कुछ भी चीज़ उठा सकते हो। और इसके बाद जैसे कि अगर तुमको गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो अपने जो बॉडी है उसके ऊपर कीचड़ फेंक सकते हो, इस तरह से अपने आप को ठंडा कर सकते हो। जो घास है, ठीक है, उसको अपने सूट से पकड़ के, जो लंबे थोड़े घास होते हैं उसको पकड़ के घींच के उनको उखाड़ सकते हो और उसके बाद खा सकते हो उसको। मतलब कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से बेनिफिशियल हो गया, तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इससे। तो इसलिए अब जो है तुम्हारा ये जो पहले जैसा जो नोज़ था वो अब नहीं रहेगा, अब तुम्हारा ये जो नोज़ मीन्स बिग नोज़ जिसको ट्रंक कहा जाता है मीन्स सूड, अब ये तुम्हारे साथ रहेगा और तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। इस तरह जो गोलू रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और इसके बाद वहाँ पर जो है पाइथन को मतलब मतलब ग्रीट कर देता है कि चलो थैंक यू आपने मेरी मदद की, मुझे बताया इसके बेनिफिट्स को। उसके बाद अपने घर की जो तरफ है वो निकल जाता है। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि कैसे एक बेबी एलिफेंट जो है उसके पास एक नॉर्मल नोज से किस तरह से एक ट्रंक आया। मतलब ये एक कहानी था, कोई सच बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी इस तरह से इसमें इस कहानी में सिर्फ इतना ही था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसमें आप बताएं कि ट्रंक के और कौन कौन से आपको फ़ायदे ऐसे लगते हैं, तो आप इसको कॉमेंट करके बता सकते हैं कि एलिफेंट के पास ट्रंक होना और किन चीज़ को मतलब उनको सपोर्ट कर सकता है उनके लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट करके जरूर पूछें।